सिडनी में 20,000 भारतीयों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो, हजारों की भीड़ ने ताली बजाकर किया स्वागत, लगे मोदी मोदी के नारे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को माना बॉस, बोले मोदी का स्वागत करना सम्मान की बात, भारत और ऑस्ट्रेलिया पुराने मित्र। I said to my friend the Prime Minister before the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री भारत में है, सिडनी में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है और अब मैं आपके सामने ऐसे ही कुछ फैक्ट रखूंगा और आपसे सही उत्तर जानना चाहूंगा। दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया वो देश है। पीएम मोदी ने कहा आज भारत की इकॉनमी दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक का विश्वास है कि ग्लोबल हेडविंड्स को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो वो भारत है। आज दुनिया के कई देशों में बैंकिंग सिस्टम पर संकट है लेकिन दूसरी तरफ भारत के बैंकों की मजबूती की आज चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता भरोसे और सम्मान पर टिका, हमारे लिए पूरी दुनिया परिवार। ब्रिस्बेन में भारत का नया काउंसिलेट खोला जाएगा, पीएम मोदी ने सिडनी में किया ऐलान। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने कहा भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध बहुत गहरे, अपने दोस्त पीएम मोदी से मैं 6 बार मिला। दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश को लेकर कांग्रेस की मीटिंग, पंजाब और दिल्ली के नेता शामिल, अध्यादेश के खिलाफ आपको समर्थन देने के खिलाफ। कोलकाता में दिल्ली के सीएम केजरीवाल और ममता बनर्जी की मुलाकात, अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने की कोशिश। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा दिल्ली के लोगों के हक के लिए देश में निकल रहा हूं, केंद्र सरकार ने अध्यादेश से जनता के छीने सारे अधिकार। अरविंद केजरीवाल के कोलकाता आने पर शुभेंदु अधिकारी का बयान, बोले भ्रष्टाचारियों का एक गठबंधन जिसके अध्यक्ष ममता और केजरीवाल। सीएम केजरीवाल के मुंबई दौरे पर बोले अजीत पवार 2 दिन में उद्धव ठाकरे और पवार साहब से करेंगे मुलाकात, बैठक के बाद लेंगे फैसला। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस सांसद नुसरत जहान का भड़काऊ बयान, बीजेपी और कांग्रेस को वोट मांगने पर कार्यकर्ताओं से बांध से पीटने को कहा। राजस्थान के सीएम ने की प्रधानमंत्री मोदी के काम की तारीफ, कहा वाराणसी में मंदिर के निर्माण से मोदी की देश दुनिया में बनी पहचान। गहलोत पायलट विवाद को लेकर एक्शन में कांग्रेस, दिल्ली पहुंचे सचिन पायलट और राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, खड़गे के साथ हो सकती है बैठक। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह का बयान, कहा सभी चुनावी राज्यों की बुलाई गई बैठक, पायलट के अल्टीमेटम का जवाब देंगे सीएम। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीना ने सीएम गहलोत पर साधा निशाना, बोले नहीं चलने देंगे इनकी मनमानी, भ्रष्टाचार पर हर हफ्ते घेरेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक में हुई कर्नाटक फॉर्मूला दोहराने पर चर्चा, सुशील शिंदे ने कहा मेरिट के आधार पर होगा एमवीए में सीटों का बंटवारा। शिवसेना नेता दीपक केसरकर का बयान, कहा एमवीए में उद्धव को कैसे मिलेंगी 19 लोकसभा सीटें, अभी उद्धव की एमवीए में और बेइज्जती होनी बाकी। एमवीए की सीट बंटवारे पर अजीत पवार ने कहा इस पर अभी किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई, तय नहीं हुआ है कोई फॉर्मूला। संजय राउत की बयानबाजी से खफा महाराष्ट्र कांग्रेस अशोक चव्हाण ने कहा मेरिट के आधार पर होगा बंटवारा, संजय राउत ने कही है 19 सीटें देने की बात। येदियुरप्पा के बेटे और पार्टी विधायक बीवाई विजेंद्र ने सीएम सिद्धारमैया से मुलाकात की, मंत्री के एच मुनियप्पा और अन्य नेताओं से भी मिले। कर्नाटक विधानसभा स्पीकर के लिए यूटी खादर का नामांकन, सीएम सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार रहे मौजूद, 5 बार कांग्रेस विधायक रहे खादर। कर्नाटक में सत्ता शेयरिंग पर बोले मंत्री एमबी पाटिल, कहा सभी को पता है सिद्धारमैया 5 साल रहेंगे सीएम, पावर शेयरिंग जैसी कोई बात नहीं हुई। सिद्धारमैया कैंप के एमबी पाटिल ने कहा केसी वेणुगोपाल ने भी पावर शेयरिंग की नहीं की थी बात। श्रीनगर में G20 बैठक का दूसरा दिन, एलजी मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, जितेंद्र सिंह मौजूद, G20 शेरपा अमिताभ कांत भी मौजूद। G20 बैठक में बोले मनोज सिन्हा, कहा जम्मू कश्मीर हमेशा ज्ञान और नेचुरल ब्यूटी का रहा केंद्र, पीएम मोदी की सशक्त योजनाओं से हो रहा है विकास। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान, कहा सभी इंटरनेशनल संगठनों के साथ काम करने को भारत प्रतिबद्ध जिससे स्थानीय संस्कृति को दिया जा सके बढ़ावा। G20 पर बोले जितेंद्र सिंह, कहा श्रीनगर में शिल्प कौशल की बड़ी चेन, कश्मीर का आम आदमी पीएम मोदी के साथ विकास में भागीदार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग, कई इलाकों में चलाया जाएगा जॉइंट ऑपरेशन। G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हो रही है बैठक,
महत्वपूर्ण है। कुछ साल पहले यहां अंतर्राष्ट्रीय बैठक की सोच भी नहीं सकते थे। उत्तराखंड में G20 शिखर सम्मेलन, देहरादून एयरपोर्ट पर प्रतिनिधियों का शानदार स्वागत, कलाकारों ने दिखाया कल्चरल फोक डांस छोलिया। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ की बैठक, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लेकर चर्चा हुई। ब्रिटेन की धरती पर पहली बार एनआईए की जांच टीम, लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने हुए हिंसक प्रदर्शन मामले की करेगी जांच। जिनेवा में 76वीं वर्ल्ड हेल्थ समिट को संबोधित करेंगे मनसुख मांडविया, 30 मई तक चलेगी समिट। इंडियन नेवी का स्वदेशी पोत INS मारुमुगाव ने दिखाई ताकत, समंदर में तैरते सुपरसोनिक टारगेट को किया ध्वस्त। राम मंदिर का पहला चरण 7 दिसंबर तक पूरा होगा, राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान। चंपत राय का ट्वीट, राम मंदिर निर्माण का वीडियो किया शेयर, लिखा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन जैसी। ज्येष्ठ मास के तीसरे बड़े मंगलवार के अवसर पर अयोध्या में उमड़ी भक्तों की भीड़, हनुमानगढ़ी मंदिर में किए दर्शन। UPSC ने घोषित किए 2022 सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे, इशिता किशोर ने किया टॉप, गरिमा लोहिया दूसरी पोजीशन पर, उमा हरती तीसरे स्थान पर रही। आज से 2000 के नोट बैंकों में बदलना शुरू, बैंकों में एक बार में 10 नोट कर सकेंगे चेंज, बाकी नोट भी खाते में किए जा सकते हैं जमा। RBI ने 19 मई को 2000 के नोट बंद करने का किया था ऐलान, 30 सितंबर तक बैंकों में नोट जमा करने या बदलने की रहेगी सुविधा। नोट चेंज सर्कुलर पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित, याचिकाकर्ता की मांग, बिना पहचान प्रमाण पत्र के नोट बदलने पर लगाई जाए रोक। नोट चेंज पर PNB के दिशा निर्देश जारी, आधार कार्ड किसी डॉक्यूमेंट और फॉर्म की जरूरत नहीं, किसी भी ब्रांच में बदल सकते हैं नोट। नागपुर के पेट्रोल पंपों पर 100 गुना बढ़ी 2000 के नोटों की संख्या, 2000 का नोट लेकर पेट्रोल भराने पहुंच रहे हैं लोग। 2000 के नोट को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र, 2000 के नोट जारी करने के पक्ष में नहीं थे पीएम मोदी। नृपेंद्र मिश्र के मुताबिक पीएम मोदी को बताया गया था कुछ समय के लिए लाए जा रहे हैं नोट, इसीलिए दी थी इजाजत। नृपेंद्र मिश्र ने कहा पीएम मोदी को पता था 2000 के नोट से लेन देन की बजाय जमाखोरी बढ़ेगी। अंबाला के गुरुद्वारे में राहुल गांधी ने टेका मत था, गुरुद्वारा मंजी साहिब में की अरदास, कुछ समय गुरुद्वारे में बिताया। राहुल गांधी ने ट्रक से की यात्रा, रात में अंबाला से चंडीगढ़ तक गए, कई जगहों पर रुक रुक कर ट्रक ड्राइवरों से बात की। कांग्रेस ने ट्वीट कर दी जानकारी, कहा ट्रक ड्राइवरों की मन की बात राहुल ने सुनी। रेसलर शोषण आरोपों पर बृजभूषण चरण सिंह का विवादित बयान, कहा पीड़ित बताएं शोषण कब हुआ, कहां हुआ, क्या हुआ, अभी तक नहीं बताया। मऊ में बोले बृजभूषण चरण सिंह, कहा सिब्बल ने शुरू किया बैट टच और गुड टच का मुकदमा, खिलाड़ियों के नाकों टेस्ट से पता चल जाएंगे साजिशकर्ता। गोंडा में बृजभूषण चरण सिंह का आपत्तिजनक बयान, विनेश फोगाट को बताया मंथरा। वाराणसी कोर्ट का आदेश, ज्ञानवापी पर चल रहे 7 केसों का क्या क्लब, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक साथ होगी सुनवाई। समीर वानखेड़े पर अजीत पवार ने कहा ये जांच का विषय, समीर वानखेड़े को लेकर नवाब मलिक की बातें हो रही हैं सही। मनीष सिसोदिया की फिर बड़ी कस्टडी, 1 जून तक जेल में रहेंगे सिसोदिया, कोर्ट ने सिसोदिया को कुर्सी मेज देने पर विचार करने के दिए निर्देश। आपका दिल्ली पुलिस पर आरोप, राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया से हुआ दुर्व्यवहार, केजरीवाल ने ट्वीट किया वीडियो। सिसोदिया से दुर्व्यवहार आरोप पर दिल्ली पुलिस का ट्वीट, लिखा दुर्व्यवहार की बात दुष्प्रचार है, पुलिस की प्रतिक्रिया सुरक्षा दृष्टि से जरूरी। प्रयागराज में अतीक के वकील विजय मिश्रा पर FIR, अतरसुईया थाने में मोहम्मद सईद ने दर्ज कराया रंगदारी मांगने का केस, कहा उधार के पैसे मांगने पर की गाली गलौज। दिल्ली के पटियाला हाउस को पहुंची अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस, 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में है आरोपी। केरल के कई मंदिरों में RSS के सामूहिक अभ्यास पर रोक, त्रावणकोर देवसोम बोर्ड ने जारी किया आदेश। उदयपुर में CM अशोक गहलोत आर्ट फेस्टिवल में उन्होंने लिया हिस्सा, भारतीय लोक कला मंडल ने किया आयोजन। शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पाल बघेल और यादव समाज के लोगों से किया संवाद, कहा मुझसे जो गलतियां हुई उसके लिए मांगता हूं माफी। रुद्रप्रयाग पहुंचे एक्टर अक्षय कुमार, बाबा केदारनाथ मंदिर में की पूजा। चेन्नई में रजनीकांत ने किए सरथू बाबू के अंतिम दर्शन, कल हुआ था दिग्गज एक्टर शरद बाबू का निधन। महाराष्ट्र के पूर्व CM मनोहर जोशी की बिगड़ी तबीयत, मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती, अस्पताल में मिलने पहुंचे उद्धव ठाकरे। दौसा के चोरी करने के पहुंचे बदमाशों ने की फायरिंग, एक युवक को लगी गोली, ग्रामीणों ने बदमाशों को पकड़कर पीटा, एक की मौत। एक्टर आदित्य सिंह राजपूत मौत केस में पुलिस का खुलासा, फ्लैट के बाथरूम में फिसलकर गिरने से लगी चोट, अस्पताल में हुई मौत। मौत पर आदित्य की मेट का खुलासा, रविवार सुबह से ही आदित्य को हो रही थी उल्टियां, बार बार जाना पड़ रहा था बाथरूम। दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक और कैदी की मौत, जावेद ने फांसी लगाकर किया सुसाइड, सोमवार को ही कोर्ट ने दिया था दोषी करार। दिल्ली पुलिस ने किया IPL सट्टेबाजी रैकेट का भंडाफोड़, शाहदरा से 3 आरोपी गिरफ्तार, 4 फोन, लैपटॉप, वाईफाई राउटर भी बरामद। मुरादाबाद में मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के साथ बदसलूकी, लड़के के फाड़े कपड़े, पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया। महाराष्ट्र के बुलढाणा में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर ट्रक और बस में जोरदार टक्कर, 6 लोगों की मौत, 15 लोग घायल। दिल्ली के जाफराबाद में एक वैन में मिला शव, गले में चाकू के निशान, पुलिस और FSL की टीम ने मौके पर पहुंचकर की जांच। रोहतक में एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने दर्ज किया केस, CCTV में दिखे 3 हमलावर, 1 की हुई पहचान। बेंगलुरु में मिले शव की हुई पहचान, 32 साल के मृतक शख्स का नाम लोकेश, नाले में गिरने के बाद डूबने से मौत की आशंका। मदुरई मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर सैयद ताहिर हुसैन सस्पेंड, मेडिकल छात्राओं के सेक्सुअल हैरेसमेंट पर DME ने लिया एक्शन। स्टूडेंट्स की शिकायतों पर बनाई गई थी 8 सदस्यीय जांच कमेटी, कमेटी ने शिकायतों को सही पाया, DME को कार्रवाई के लिए भेजी थी रिपोर्ट। बंगाल के मालदा में भीषण आग, पटाखों की मार्केट में लग गई आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां। मुरादाबाद बरेली रेलवे लाइन पर पुराने पुल की 12 घंटों में नए पुल के साथ बदला गया, कई सालों से लंबित पड़ा था काम, जिसकी वजह से ट्रेनें धीमी गति से चलती थी। पालघर में 14 साल के प्रणय सालकर ने खोदा कुआं, प्रणय की मां रोज बहुत दूर से लाती थी पानी, पानी की कमी से जूझ रहा इलाका।
प्रचंड गर्मी झेल रहे उत्तर भारत के लिए राहत की खबर। 25 मई तक देश के 15 से ज्यादा राज्यों में बारिश का अनुमान। चंडीगढ़ में लगातार बढ़ रहा है गर्मी का प्रकोप, लू के थपड़ों से लोग परेशान। जयपुर में भी गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित, घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। रावलपिंडी में इमरान की नैब के सामने पेशी, इमरान की बीवी बुशरा बेगम भी हुई पेश। एटीएस कोर्ट से इमरान को राहत, 8 केसों में 8 जून तक दी अंतरिम जमानत। इमरान के खिलाफ दर्ज है तोड़फोड़ आगजनी के दर्जनों केस। इमरान की बीवी बुशरा बेगम को भी राहत, नैब कोर्ट ने 31 मई तक दी अग्रिम जमानत। अलकादे ट्रस्ट केस में है बेल। पाकिस्तान में प्रदर्शन में मारे गए 25 लोगों के परिजनों की मदद, इमरान खान की अपील पर पाकिस्तानी अमेरिकियों ने जुटाए $551,000। नेपाली शेरपा गाइड ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, 28वीं बार माउंट एवरेस्ट किया फतह। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास ट्रक ने तोड़ा सिक्योरिटी बैरियर, पुलिस ने ड्राइवर को दबोचा, लाफायत स्क्वायर पर हुई घटना। अमेरिका में प्रेसिडेंट जो बाइडेन और विपक्षी नेता मैकार्थी के बीच मीटिंग, प्रोडक्टिव लोन घटाने को लेकर बातचीत नहीं हो पाया, कोई समझौता। रूस बॉर्डर पर हमले में 8 लोग घायल, रूस ने यूक्रेन पर लगाया घुसपैठ का आरोप। यूक्रेन ने रूसी क्षेत्र में हमले से किया इनकार, क्रेमलिन विद्रोहियों को ठहराया जिम्मेदार। इटली में भारी बारिश के चलते आई बाढ़ का कहर, लोग घरों में फंसे, बचाव का कार्य में जुटी सेना। हेलीकॉप्टर, नाव और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लोगों के घरों के बेसमेंट से भी निकाला जा रहा है पानी। थाईलैंड में एक मकान की छत गिरने से 6 लोगों की मौत, मृतकों में 4 बच्चे भी शामिल। 18 घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, बारिश से बचने के लिए स्कूल में छिपे थे सभी। और गुयाना में स्कूल के हॉस्टल में लगी भीषण आग, कम से कम 20 स्टूडेंट्स की मौत, कई झुलसे।